अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम्हारे दर्द की पेन, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारी आवाज से, तुम्हारी चुप्पी से मैं सब समझ जाती हूँ। पर क्या बीत रही है अंदर ही अंदर, बहुत कुछ सह रहे हो आरवी, और ये सब मेरी वजह से हो रहा है। I'm really sorry। मैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आरवी, तुम प्लीज हाथ छोड़ो ना, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। इतना कुछ बोल दिया तुमने, और क्या बोला? और बोला है तो तुम प्लीज हाथ छोड़ो ना। मैं पर हाथ पकड़ने में प्रॉब्लम क्या है? छोड़ो ना प्लीज, कुछ होता है। क्या होता है? पता नहीं, मतलब मैं जो बोलना चाह रही हूँ मेरा ध्यान हट रहा है उससे, तो तुम ये हाथ पकड़ने से ध्यान कैसे हट रहा है? अच्छा, अगर ध्यान हट गया तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ कि तुम कह रही थी कि तुम्हारी बहन अच्छी नहीं है। अच्छी है, मैंने ये नहीं बोला, वो बहुत अच्छी है, बस वो मेरी वजह से तुमसे नाराज है, इसलिए तुम हाथ छोड़ो ना प्लीज। मैं अच्छा सॉरी। हाँ वो खुशीदीप, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो तुम मुझे डिवोर्स दे रहे हो ना, तुम मुझे फोर्स कर रहे हो तुम्हें डिवोर्स देने के लिए, और उसे ऐसा लगता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। ये किसने कहा तुमसे? तुमने तो कहा था। कहा होगा मैंने, लेकिन अब मैं ही कह रहा हूं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। इसीलिए अब कौन क्या कहता है उस पर ध्यान मत दो, लेकिन जो तुम्हारी बहन है ना, वो मैं उसको पसंद नहीं कर सकता। I don't like her। अरे वो अच्छी है, खुशी थी तो बहुत अच्छी है। नहीं है यार, वो अच्छी किसी एंगल से अच्छी नहीं है। अभी तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? वो दियर तुम्हारा जो अतीत था, जो पास्ट था, उसकी वजह से क्या? हाँ मुझे दी ने बताया। क्या बताया उसने तुम्हें? बताया दी ने मुझे सब, कि तुम और दी बिजनेस के सिलसिले से एक दूसरे को जानते हो बहुत पहले से, और वो अरमान जी जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर है, मतलब थे, अब तो हम दोनों का ऐसे रिश्ता हो गया है तो अब नहीं है, सब बोला उन्होंने। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या बताना है? सच, सच बताना है तुम्हें। सच? कैसा सच? तुम्हारी बहन के बारे में, शीदी के बारे में। भाई भाई, ए युग आराम से यार, कहां भाग के आ रहा है इसे? भाई मेरे पास तेरे लिए एक बैड न्यूज है, इनफैक्ट बहुत बड़ी वाली बैड न्यूज भाई, डराने वाली। क्या डराने वाली बैड न्यूज है? बोलो ना प्लीज, मुझे घबराहट हो रही, क्या बैड न्यूज है? अरे बोलना जल्दी भाई। हमने उस नेत्रा को देखा एक लड़के के साथ। क्या? हाँ जी जो, और हम उस लड़के का चेहरा नहीं देख पाए, लेकिन वो उसका बॉयफ्रेंड था। कैसे पता उसका बॉयफ्रेंड था? कि भाभी वो झगड़ रहे थे आपस में। सर, नहीं प्लीज, छोड़ो मुझे। साहिल प्लीज मेरी बात। छोड़ो। और हाँ, गुस्से में ना उसने नेत्रा को कहा कि आज से हमारा रिश्ता खत्म, उसने रिश्ता तोड़ दिया। और वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, उसने ऐसा बोला। हमने उसे बात करते सुना, पर भाभी हम उसका फेस नहीं देख पाए। एक मिनट, ये सब क्या है, क्या फर्क पड़ता है? अरे उसका उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो रहा है तो हमें क्या लेना देना? लेना देना है आरवी, नेत्रा का ब्रेकअप हो गया है, हमें फर्क पड़ता है? उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया है,
अरे नेत्रा उसके बॉयफ्रेंड से प्यार करती, मतलब उसका रिश्ता खत्म हो गया है। मेरे पास कोई श्योरिटी नहीं है कि वो तुमसे शादी नहीं करेगी। अभी मुझे पहले ये लग रहा था कि वो अपने बॉयफ्रेंड से इतना प्यार करती तो वो तुमसे शादी करेगी ही नहीं, किसी कीमत पे नहीं करेगी। ठीक? इस घर में कुछ भी ठीक है जो मैं ठीक रहूंगी? मेरे बेटे के साथ कुछ भी ठीक हो रहा है जो मैं ठीक रहूंगी? और अब वो लड़की नेत्रा आने वाली है। वो गॉड, वो लड़की ना, पता नहीं क्यों उसके बारे में सोचती भी हो ना तो मुझे घबराहट होने लगती है। पता नहीं मुझे हमेशा ये लगता है कि वो जब भी आती है ना, हम सबके लिए कोई ना कोई मुसीबत लेके आती है। पता नहीं इस बार क्या मुसीबत लेके आने वाली है। आंटी आंटी, आप इतना क्यों सोच रहे हो? मतलब मैं समझती हूँ, लेकिन एक बात बताइए, वो लड़की ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगी? हाँ, आज वो पूजी का डिवोर्स करवा देगी तो ठीक है। हम सब भी तो यही चाहते थे ना, पूर्वी को हमेशा के लिए इस घर में रखने का इरादा तो वैसे भी हमारा नहीं था। तो वर्स्ट केस सिनेरियो उनका डिवोर्स होगा ना बस। नहीं मोनिशा, बात सिर्फ इतनी नहीं है। वो लड़की नेत्रा बर्बादी है और वो लड़की इस घर की बहू बनने वाली है। वो किस टाइप की लड़की है ये तो मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है ना। उसका लेवल अच्छे खानदान की बहू बेटी तो है नहीं। वो चालबाजी करके इस घर में आ रही है। वो देखिए, वो पूर्वी ऐसी नहीं है। वो कई ज्यादा अच्छी लड़की है, वो बेहतर है। वो आदि क्या पूर्वी बेहतर है? मतलब क्या बोल रहे हो आप? ये एक बार डिसाइड कर लो कि आपको पूर्वी अच्छी लगती है या नहीं। आई एम सॉरी मैं ऐसे बोल रही हूँ, लेकिन कभी आप बोलते हो वो अच्छी है, कभी आपको वो बुरी लगती है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि। एक मिनट मोनिशा, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि पूर्वी बहुतों से बहुत अच्छी है। वो मे बी परफेक्ट नहीं है, या फिर उसमें वो सारे गुण नहीं है जो हमारे खानदान की बहू बनने के लिए चाहिए, इसलिए मुझे वो पसंद नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छी नहीं है। और तुम तो कुछ बोलो ही मत। आरवी और पूर्वी का डिवोर्स होने के बाद एक बार तुम्हारी शादी आरवी से हो भी सकती थी, लेकिन नेत्रा अगर इस घर की बहू बनी ना, आरवी से अगर उसकी शादी होगी ना, तो तुम्हें इस घर में वो कदम भी नहीं रखने देगी। मजबूर कर देगी तुम्हें भी और हमें भी, और भगवान जाने पता नहीं क्या क्या करवाएगी हमसे और क्या क्या नहीं करने देगी। हमारा परिवार, हमारे रिश्ते, हमारा सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर लेगी वो। सिर्फ आरवी की जिंदगी दाव पे नहीं, हम सबकी जिंदगी दाव पे है। मोनिशा तुम समझ नहीं रही हो क्या क्या हो सकता है। मुझे तो घबराहट हो रही है सब सोच के, तो नहीं क्या होगा। यस, यही तो मैं चाहती थी। ये डर, ऐसा डर लगे कि अब कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा, ताकि जब मैं सबको इस डर से बचाऊं तो सबको ये लगे कि वाह मोनिशा है फरिश्ता। सब यही बोले मोनिशा ही वही रक्षक है जिसने इस घर को, इस घर के लोगों को, राजी को बचाया। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।